कराटे किट के सामने है आर्थिक तंगी की चुनौती। इंदौर की नन्ही कराटे प्लेयर को आर्थिक मदद की दरकार। कलेक्टर के सामने लगाई कराटे किट ने गुहार। नैनीताल में होने वाली चैंपियनशिप के लिए हुआ सिलेक्शन। नन्ही कराटे खिलाड़ी के लिए परिवार नहीं जुटा पा रहा राशि। कहते हैं दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसी ही कुछ कहानी इंदौर की नन्ही कराटे किट हर्षिता चौधरी की है। राष्ट्रीय स्तर की कई कराटे चैंपियनशिप में 10 से भी ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुकी हर्षिता का चयन नैनीताल में 20 जून को आयोजित होने जा रही नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के चलते इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए हर्षिता के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल हर्षिता के पिता जगदीश चौधरी सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं और महज 6,000 रुपए की सैलरी से उनका पूरा घर चलता है। ऐसे नैनीताल में होने वाली इस चैंपियनशिप में हर्षिता कैसे हिस्सा लेगी, ये बड़ी समस्या है। मेरे को अभी एक ही साल हुआ है खेलते खेलते, अभी नैनीताल जा रहे हैं। कौन सा कॉम्पिटिशन का सिलेक्शन हुआ है? कौन सा गेम खेलती हैं आप? कराटे। कब से खेल रही हैं? एक साल हुआ। कौन कौन से आपने गेम्स अभी तक जीते हैं? मैंने अभी गोवा से 2 गोल्ड मेडल लाई हूँ और मेरे पास अभी 10 मेडल है सिर्फ। इन्हीं परेशानियों के बीच जगदीश चौधरी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में भी पहुँचे। उन्होंने कलेक्टर पी नरहरी से भी आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई। सर, ये बच्ची कराटे खेलती है और अभी नेशनल में खेलने जा रही है, अपने नैनीताल पहुँचा रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं सर के पास आया था तो उन्होंने कुछ लिख के दिया है मेरे को, अब आगे क्या होता है देखते हैं। किस तरह से बच्ची खेलती है और अब तक कितने जो है वो अवार्ड जीत चुकी है? ये 8 मेडल जीत चुकी है अभी तक और फिर नेशनल में खेल चुकी है, गोवा से खेल के आई है, 2 मेडल गोवा से भी लई है। अभी कितनी तारीख को जाना है? 19 तारीख को जा रहे हैं अभी। कितना तकरीबन इसमें पूरा खर्चा आ रहा है आपको उसको बेचने में? उसको खर्चा आ रहा है 10,000 करीब। और आप क्या करते हैं? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। 6,000 रुपये इनकम है मेरी, इसमें बच्चियों पढ़ाता भी हूँ, उसके बाद में इनका लालन पालन जो मेरा खर्चा है सब उसी में चला। क्या लगता है आपको अगर सरकार आपको जो मदद करे तो कितनी आगे बढ़ सकती है? देखो सर, मदद करे तो अच्छी बढ़ सकती है हमारी बच्ची, तो अभी उम्र के हिसाब से तो अच्छी काफी लंबी जा सकती है, अब आगे देखते हैं भगवान क्या होता है। कलेक्टर ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जिला खेल अधिकारी को भी निर्देश जारी किए। बेसिकली खेल विभाग के अंतर्गत किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनका कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भाग लेने हेतु उन्हें सहायता देने का प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत मैंने जिला खेल अधिकारी को बोला है कि उस प्रकरण में जो भी नियम संगत कार्रवाई है किया जाए। कराटे में देश का नाम ऊंचा करने का सपना देखने वाली नन्ही कराटे किट हर्षिता के सामने आर्थिक तंगी की बड़ी चुनौती तो है, लेकिन शासन इस कराटे प्लेयर के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाए तो इस खिलाड़ी को देश भर में कराटे का नाम रोशन करने का हौसला भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।